हेलो एंड वेलकम टू एकेडी स्टडी जोन। तो आज किस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के हिंदी पोर्शन के जो क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ उनकी नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिलती रहे। तो यहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है वो है आत्म एवं व्यक्तित्व। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन है, केटल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ल्स रोजर्स, यानी कि ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों पर फोकस होता है? तो यहाँ पर ज्ञानेंद्रियाँ होगा, जनेन्द्रियाँ नहीं होगा। तो लिंग प्रधानावस्था, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन आत्म नियंत्रण की प्रविधि नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो आत्म सम्मान इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MMPI आविष्कार किसने विकसित किया? तो ये थे हाथवे तथा मैकिनले, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक अहम किससे संबंधित है? तो ये है आत्मसमर्पण, आत्मरक्षा, आत्म सम्मान, यानी कि उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकारक इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, उसे कहा जाता है प्रतिक्रिया निर्माण, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है? तो यहाँ पर है प्रहम, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो प्रतियोगी भावना, आक्रमकता, विसर्बी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि इनमें से सभी इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्य का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्य के प्रतिपादक हैं? तो यहाँ पर बी ऑप्शन है फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है इदम अहम पराहम, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 PA प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? तो वो है कैटल, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कथानक आत्मबोध परीक्षण TAT के निर्माता कौन है? मोरे एवं मार्गन, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है? तो एडो मार्फी इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फ्राइड के अनुसार मन का अकारात्मक मॉडल है, तो अर्धचेतन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्य के प्रतिपादक हैं, तो यहाँ पर आपके पास है डी ऑप्शन फ्राइड, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्य दिया है? तो वो है रोजर्स, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप डी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पर आपके पास है डेनोलेट, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मनोदैहिक शील गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया? तो वो है आपके एलपोर्ट, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो शेल्डन का वर्गीकरण शारीरिक एवं मानसिक शील गुणों पर आधारित है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्यतः कितने भागों में विभाजन किया है? तो 3 भागों में विभाजित किया है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्व सेल्फ के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो स्व जन्मजात होता है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेशमर के अनुसार शारीरिक बनावट के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्यक्तित्व का मनोगत्यात्मक उपागम
को किसने प्रतिपादित किया? साइकोडायनेमिक अप्रोच, तो यहाँ पर फ्राइड आपका सही आंसर है। इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है? तो परिवार, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शील गुण ट्रेट्स कहलाने के लिए आवश्यक है व्यवहार में संगतता तथा व्यवहार में स्थिरता। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें ए और बी दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छे कितने हैं? तो वो है 10। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? तो 3 हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्रेशमर ने किस प्रकार के व्यक्तियों को साइक्लोइड कहा है? तो यहाँ पर साइक्लोइड कहा है, तो यहाँ पर स्थूल काय प्रकार, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास में कितने अवस्थाएं हैं? तो यहाँ पर आपके पास है 5 अवस्थाएं हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? तो यहाँ पर शारीरिक रचना, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक अचेतना के विषय को कहा जाता है मनोग्रंथि, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन मैस्लो ने किया? तो आत्मकार्यान्वयन सिद्धांत जो है वो मैस्लो ने किया, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के आत्म सिद्धांत सेल्फ थ्योरी को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो वो थे रोजर्स। तो इस वीडियो में हमने 35 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 35 से आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आए वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।